Hello students, today we will do exercises from chapter 2, class 6, grammar acts. Okay, and the chapter is kinds of sentence. ठीक है, जैसा कि हमने सेंटेंस को भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी हम पढ़ चुके हैं, हमने आपको वीडियोस भी सेंड की है ना, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. तो काइंड्स इसमें बताया जा रहा है, काइंड्स इसमें शो किया हुआ है 4, वैसे तो और भी ज़्यादा होते हैं बट 4 यहाँ पे बताया जा रहा है 6, क्लास 6 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो पहला क्या है, स्टेटमेंट्स, सेकंड का है क्वेश्चंस, थर्ड रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशंस. ओके, तो असर्टिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है, जो साधारण वाक्य होता है उसको, जैसे सी इज़ ए माधुरी, सी गोज टू द डोर, सी फाइंड्स हर ब्रदर देयर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी स्टैंड, सी ओपन इट, ओपन सेट, हिज नेम इज़ अरुण, सी टेक्स हिम इन द स्टेट. ठीक है, हिम इन. तो ऑल द अबव सेंटेंस आर स्टेटमेंट आर असर्शंस, दे आर से समथिंग एंड इन अ वे सम assertions, some types of sentence are called simple sentence, affirmative sentence. इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से बोलते हैं ना, affirmative sentence. जैसे टेंस में आप देखते हो कितने sentence होते हैं, कितने sentence होते हैं उसमें, affirmative sentence होता है, negative होता है, question, interrogative होता है, interrogative with negative होता है, वही चीज़ें यहाँ 4 आपको बताई जा रही हैं proper. ठीक है ना, वो आप हम हमें आपको वो चीज़ पढ़नी है चारों. ठीक है, तो असर्टिव यानी साधारण हो गया, क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सिंबल से ही पता चल जाता है कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. देखिए यहाँ पे जैसे पहला है, डू यू प्लक फ्लावर्स, यानी उसमें क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे, वो क्वेश्चन सेंटेंसेस हो जाएंगे. ठीक है, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका नहीं होता है, नकारात्मक होता है. जैसे यहाँ पे है, रीना इज़ नॉट कुकिंग द फूड, यानी नॉट आ गया, नहीं जहाँ पे आ गया, नेवर आ गया, नो आ गया, तो वो क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. ठीक है, यानी नहीं की बात कही जा रही है. देन हमारा क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव टाइप, जैसा अभी हमने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव में हो जाता है, सिंपल सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सीधी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सीधे नॉट का यूज़ करेंगे. सी वॉज नॉट ईटिंग ब्रेड, देखो हर हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज, वर, हैज, शैल, विल, हैड, हैड, इन सब के बाद जो है नॉट का यूज़ हो जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा. इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, हम जो हेल्पिंग वर्ब है जो ब्लू से राइट किया हुआ है उसको पहले लिख देंगे, देन सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब आपका रख देंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा. जैसे पहला आप एक देख लीजिए एग्जांपल, ही इज़ रनिंग अ रेस, तो इसको क्या करेंगे हम, इज़ ही रनिंग अ रेस. ठीक है, देन आई एम सॉल्विंग अ सम, तो ये क्या हो जाएगा, एम आई सॉल्विंग अ सम, सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे फर्स्ट रख देना है, उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट को इस साइड रख देना है, ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव बन जाता है. और इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, जैसा कि मैंने पढ़ाया भी आपको क्लास 5 में भी मैंने पढ़ाया है, यानी कि क्या होता है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपको निगेटिव भी यूज़ करना है, यानी नॉट का भी यूज़ रहेगा. जैसे इज़ राम नॉट रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड भी है, इंट्रोगेटिव भी है और यहाँ पे नॉट का भी यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस. ठीक है, एक जैसे यहाँ पे है, वी आर प्लकिंग द फ्लावर्स, तो क्या हो जाएगा, आर वी नॉट प्लकिंग द फ्लावर. ठीक है ना, ये चीज़ें जो है आपको एक बार पूरा प्रॉपर रीड करना है. ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या है, आप देखिए काइंड्स ऑफ ईच सेंटेंस, इसमें हमें बताना है. ठीक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये तो बहुत ईजी है, यानी स्टेटमेंट असर्टिव है, यानी सिंपल वाक्य है ना. इट डज़ नॉट स्लीप एट नाइट, अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें आपका नॉट आ गया, तो नॉट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है. इट प्रोटेक्ट्स आवर प्रॉपर्टी फ्रॉम रॉबर्स, यानी असर्टिव है,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है फोर्थ में, तो ये सीधे हो गया इंट्रोगेटिव। इट हैज़ फोर लेग्स एंड टू आई, सिंपल है ये, असर्टिव हो जाएगा। इट्स आईज शाइन एट नाइट, ये भी क्या है आपका, असर्टिव है। फिर उसके बाद आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे देखिए एट में क्या है, डू दे नॉट हैव डिफरेंट कलर्स, अब देखिए इसमें क्या है, डू भी आया है यानी क्वेश्चन वर्ड भी आया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट भी आया है, तो इंट्रोगेटिव कम निगेटिव हो जाएगा। इट हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन, ये क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। आई डू नॉट हैव एनी पेट डॉग, अब इसमें नॉट आया है, नॉट का मीन्स क्या होता है, निगेटिव होता है। डू यू लाइक वाइल्ड एनिमल्स, क्वेश्चन मार्क भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हैव यू एवर केप्ट अ डॉग, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ओके सेकेंड हमारा है देखिए, नॉट और नॉट, नो को ओमिट एंड टर्न देम सिंपल सेंटेंस, यानी जो इसमें नॉट और नो दिया हुआ है उसको हमें यहाँ पे हटाना है और उसको क्या बनाना है, सिंपल। तो ये तो बहुत सिंपल है कि दिस इज़ नॉट आवर क्लासरूम, दिस इज़ आवर क्लासरूम। इट डज नॉट हैव एनी ब्लैक बोर्ड, इट हैव एनी ब्लैक बोर्ड ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर नो विंडोज़, तो क्या बोलेंगे, देयर आर विंडोज़ इन इट। इट वॉल्स आर नॉट पेंटेड, इट वॉल्स आर पेंटेड। देयर आर नो पोस्टर एंड चार्ट्स, देयर आर पोस्टर एंड चार्ट्स। द स्टूडेंट्स डू नॉट सिट इन द रूम, द स्टूडेंट्स सिट इन द रूम, सीधे हो जाएगा। देयर इज़ नो चेयर फॉर द टीचर, देयर इज चेयर फॉर द टीचर ना। फिर क्या हो जाएगा, द डेस्क आर नॉट प्रॉपरली अरेंज, द डेस्क आर प्रॉपरली अरेंज्ड। The decks are not painted, the decks are painted. It is not ventilated, it is ventilated. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज सेकेंड। फिर आते हैं थर्ड, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है, इसमें आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन, अब देखिए हमने बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, सब्जेक्ट उसके बाद रखना है, बाकी एज इट इज़ रखना है, तो क्या हो जाएगा, इज दिस अ स्मॉल गार्डन, एंड क्वेश्चन मार्क को कभी मत भूलिएगा लगाना, खासकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही ये लगता है। देयर आर रोज़ फ्लावर इन इट, आर देयर रोज़ फ्लावर इन इट, क्वेश्चन मार्क। देयर आर मेनी प्लांट्स इन इट, आर देयर मेनी प्लांट्स इन इट। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रीज, हैज़ इट अ वैरायटी ऑफ ट्रीज, क्वेश्चन मार्क। सबको क्वेश्चन वर्ड मार्क्स में तो वो करना है चेंज और बोलना है जैसे हम बोल रहे हैं। दीज आर वेरी ओल्ड ट्रीज, आर दीज वेरी ओल्ड ट्रीज, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं सब, ठीक है। देयर इज़ अ गार्डनर टू लुक आफ्टर इट, इज़ देयर अ गार्डनर टू लुक आफ्टर इट, क्वेश्चन मार्क। द गार्डन इज़ ओपन फॉर ऑल, इज़ द गार्डन इज़ ओपन फॉर ऑल। देयर इज़ अ म्यूजिकल फाउंटेन इन इट, इज़ देयर अ म्यूजिकल फाउंटेन इन इट, है ना। तो इसको भी क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द हॉट ऑफ द सिटी, तो यहाँ पे क्या है, इज़ इट इन द हॉट ऑफ द सिटी। फिर क्या है, मेनी पीपल एंड चिल्ड्रेन कम इन द इवनिंग, तो क्या होगा, डू मेनी पीपल एंड चिल्ड्रेन कम इन द इवनिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चेंज इनटू इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट का यूज़ करना है ना। इसको ईजिली थोड़ा सा करिएगा समझ के, ठीक है। दिस इज़ अ बुक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज़ दिस नॉट अ बुक, नॉट भी लगाना है और इसको प्रॉपर पहले लगाना है। इट हैज़ मेनी पेजेस, Has it not many pages? It is written in English. Is it not written in English? It is my grammar book. Is it not my grammar book? I have kept my book in the almirah. Have I not kept my book in the almirah? ठीक है, question mark. It has a laminated cover. Has it not a laminated cover? Question mark. Is it not available in every shop? ठीक है।
फिर क्या है, इज इट रिटन इन एनी इजी लैंग्वेज, इज इट नॉट रिटन इन एन इजी लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क, द स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग इट, द आर द स्टूडेंट्स नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है, इट इट इज़ माई फेवरेट बुक, इज इट नॉट, इज इट नॉट माई फेवरेट बुक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आपका आता है, इसको देखिए सिंपल बनाना है, नंबर फिफ्थ में आपको क्या करना है, सिंपल बनाना है। अब सिंपल कैसे आप बनाओगे इसको, द स्कूल आर नॉट क्लोज टूडे, तो क्या हो जाएगा, द स्कूल आर क्लोज टूडे, नॉट को हटा देंगे। विल द मैच स्टार्ट वेल इन टाइम, तो क्या होगा, द मैच विल स्टार्ट वेल इन टाइम, ठीक है। इज कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, सीधे, ठीक है। फिर क्या है, द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, नॉट को हटा देंगे यहाँ पे। इज शी राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क को हटा देना है यहाँ पे, ध्यान रखना, पंक्चुएशन मार्क्स में फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे। आर द गर्ल्स नॉट मेकिंग अ नॉइज, द गर्ल्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, फुल स्टॉप लगा देना है। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, फुल स्टॉप। हंटर इज नॉट एमिंग एट देम, हंटर इज एमिंग एट देम, फुल स्टॉप, नॉट को हटा देंगे, ठीक है, सब में। फिर क्या है, द बर्ड्स हैव नॉट हिडन इन द ब्रांचेज, द बर्ड्स हैव हिडन इन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। हैज द हंटर लॉस्ट हिज होप्स, द हंटर हैज लॉस्ट हिज होप, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप। विल ही रेस्ट नाउ, ही विल रेस्ट नाउ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन आपका क्या आता है, लास्ट हमारा है टिक मार्क, ओके। तो टिक मार्क में हमारा क्या है, डू द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें क्या है, डू यू नो द मैन, ये क्या है बेटा, कौन सा है ये, डू यू नो द मैन, क्वेश्चन मार्क भी है साथ में, है ना, तो ये क्या हो सकता है आपका, सीधी बात है कि क्या आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन, वेट वेट वेट, इंट्रोगेटिव, ऑप्शन बी को लेंगे हम, ठीक है, ये वाला होगा ऑप्शन। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है, डी है, क्योंकि इसके ये जो सिंबल हैं इनसे हमको समझ में आता है कि ये हमारे क्या है, एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेट, नेक्स्ट है माई मदर इज़ कुकिंग फूड, तो आप बताइए क्या है ये, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज़ शट द विंडो, ये क्या है, रिक्वेस्ट कोई कर रहा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, बी। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स इसमें लगे हुए हैं। द बॉयज़ इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट हो गया इसमें ना, तो सिंपल निगेटिव हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट है, कोई मांग रहा है आपसे, तो रिक्वेस्ट हो गया। वाई आर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। देन अलॉस ही इज़ डेड, यानी ये क्या है, पहले तो उसका सिंबल देख लीजिए अलॉस के बाद, तो ये है एक्सक्लेमेशन, बी ऑप्शन। देन ही वेंट टू द डोर, ये क्या है आपका, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर जो है सेकेंड कंप्लीट हो गया है, आप इसे बुक में फिलअप कर लीजिएगा, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है आप राइट कर लीजिएगा, वैसे मैं क्लिक अभी भेज दूँगी आपको, ओके। सो जो समझ में ना आया हो वो मुझे पर्सनल नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ओके, गुड डे।